आज हम आपको ये बहुत ही प्यारा और बहुत ही आसान सा डिज़ाइन बुन करके बताएंगे, जिसे आप बच्चों के स्वेटर, कार्डिगन, फ्रॉक, कुर्ती या किसी स्वेटर में एज ए बॉर्डर डाल सकते हैं। और इसे बनाने के लिए आपको फंदे रखने होंगे 6+4 के मल्टीपल में, और ये डिज़ाइन टोटल 8 रो का है। और आप चाहें तो इसमें मल्टी कलर का यूज करके भी इस डिज़ाइन को बुन सकते हैं। तो चलिए अब हम इस डिज़ाइन को बुनना स्टार्ट करते हैं। यहाँ मेरे पास है टोटल 22 फंदे, और ध्यान रहे कि जो भी हमारा फर्स्ट कलर होगा उससे फंदे डालने के बाद हम दूसरे कलर से रो 1 को बुनना स्टार्ट करेंगे। तो शुरुआत के 4 फंदे को पहले सीधे बुनेंगे, 1, 2, 3 और 4। 2 फंदे बिना बुने उतारेंगे, और अब हम दोबारा रिपीट स्टार्ट करेंगे। 4 फंदे सीधे, 2 फंदे बिना बुने उतारेंगे। 4 फंदे सीधे बुनेंगे, 2 फंदे बिना बुने उतारेंगे। 4 फंदे सीधे बुनेंगे, और रो 1 को इसी तरह से बुनते हुए हम कंप्लीट करेंगे। और अब रॉन्ग साइड रो 2 में हम सभी फंदे को उल्टे बुनेंगे, और उतारे हुए फंदे को हम रो 2 में भी बिना बुने ही उतार लेंगे। तो शुरुआत के 4 फंदे को उल्टे बुनेंगे, 1, 2, 3 और 4। 2 फंदे बिना बुने उतारेंगे, और अब हम दोबारा रिपीट स्टार्ट करेंगे। 4 फंदे उल्टे, 2 फंदे बिना बुने उतारेंगे। 4 फंदे उल्टे बुनेंगे, 2 फंदे बिना बुने उतारेंगे, और लास्ट के बचे हुए 4 फंदे को अगेन उल्टे ही बुनेंगे। और इसी तरह से बुनते हुए हम रो 2 को भी बुन करके कंप्लीट कर लेंगे। अब हम राइट साइड रो 3 में आ चुके हैं, और जो भी हमारा फर्स्ट कलर होगा वो लगाएंगे, और उससे हम 4 फंदे उल्टे बुनेंगे, 1, 2, 3 और 4। उन पीछे के तरफ 2 फंदे बिना बुने उतारेंगे, और अब हम दोबारा रिपीट स्टार्ट करेंगे। 4 फंदे उल्टे, 2, 3 और 4। 2 फंदे बिना बुने उतारेंगे, और 4 फंदे उल्टे बुनेंगे। उन पीछे के तरफ उसके बाद हम 2 फंदे उतारेंगे, और लास्ट के 4 बचे हुए फंदे को उल्टे ही बुनेंगे। और रो 3 बुन करके कंप्लीट हो चुका है। और अब रॉन्ग साइड रो 4 में हम सभी फंदे को उल्टे बुनेंगे, 4 फंदे को भी हमें रो 4 में उल्टे ही बुनना होगा। और इसी तरह से बुनते हुए हम रो 4 को भी बुन करके कंप्लीट कर लेंगे। और रो 5 में जो भी दूसरा कलर होगा उससे हम शुरुआत के पहले फंदे को सीधे बुनेंगे। अब 2 फंदे बिना बुने उतारेंगे, और 4 फंदे सीधे बुनेंगे, 1, 2, 3 और 4। 2 फंदे बिना बुने उतारेंगे, और 4 फंदे सीधे बुनेंगे, 1, 2, 3 और 4। 2 फंदे उतारेंगे, और 4 फंदे सीधे बुनेंगे। दो फंदे उतारेंगे, और लास्ट के बचे हुए 1 फंदे को सीधे बुनेंगे।
ध्यान रहे कि शुरुआत में हमें एक फंदे ही सीधे बुनना है और बीच में हम चार फंदे सीधे बुनेंगे और दो फंदे बिना बुने ही उतारेंगे। और इसी तरह से बुनते हुए हम रो 5 को भी बुन करके कंप्लीट कर लेंगे। अब रॉन्ग साइड रो 6 में हम सभी फंदे को उल्टे बुनेंगे और उतारे हुए फंदे को रो 6 में भी बिना बुने ही उतार लेंगे। तो शुरुआत के एक फंदे को उल्टे बुनेंगे, उसके बाद दो फंदे बिना बुने उतारेंगे, अब चार फंदे उल्टे बुनेंगे। दोबारा रिपीट स्टार्ट करेंगे, दो फंदे बिना बुने उतारेंगे, चार फंदे उल्टे बुनेंगे। दो फंदे उतारेंगे, चार फंदे उल्टे बुनेंगे। दो फंदे उतारेंगे और लास्ट के बचे हुए एक फंदे को उल्टे बुनेंगे। और रो 6 बुन करके कंप्लीट हो चुका है। अब हम राइट साइड रो 7 में आ चुके हैं और जो भी हमारा फर्स्ट कलर होगा उससे हम शुरुआत के पहले फंदे को उल्टे बुनेंगे। उन पीछे की तरफ दो फंदे बिना बुने उतारेंगे और अब चार फंदे उल्टे बुनेंगे। 1, 2, 3 और 4। उन पीछे की तरफ दो फंदे उतारेंगे और चार फंदे उल्टे बुनेंगे। दो फंदे उतारेंगे और चार फंदे उल्टे बुनेंगे। दो फंदे उतारेंगे और लास्ट के बचे हुए एक फंदे को हम उल्टे ही बुनेंगे। और रो 7 बुन करके कंप्लीट हो चुका है। अब रॉन्ग साइड रो 8 में हम सभी फंदे को उल्टे बुनेंगे। उतारे गए फंदे को भी हमें रो 8 में उल्टे ही बुनना होगा। और इसी तरह से सभी फंदे को उल्टे बुनते हुए हम रो 8 को भी बुन करके कंप्लीट कर लेंगे। और रो 8 बुन लेने के बाद ये डिज़ाइन कंप्लीट हो चुका है। और इसे कंटिन्यू बनाने के लिए फिर से रो 1 टू 8 को रिपीट करना होगा और ये डिज़ाइन इसी तरह से आगे बनते जाएगा।